जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे कुंभ राशि के दैनिक राशिफल की। कुंभ राशि के दैनिक राशिफल में 2 अक्टूबर 2021 के राशिफल की चर्चा करेंगे और अंत में उपाय की चर्चा भी करेंगे, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें व सुने, तभी आप कुंभ राशि वालों के 2 अक्टूबर 2021 के राशिफल की पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है, यानी मून साइन पर। जिन लोगों को अपनी राशि नहीं पता है, वो लोग अपनी जन्म कुंडली में ये देख लें कि चंद्रमा उनकी किस राशि में है। जिस राशि में चंद्रमा है, वही उनकी राशि है। जिनके पास जन्म कुंडली नहीं है, वो अपने नाम के पहले अक्षर से अपनी नाम राशि जान सकते हैं और ये राशिफल अपनी नाम राशि से देख व सुन सकते हैं। और कौन कौन से अक्षर कुंभ राशि में आते हैं, वो आप वीडियो में देख सकते हैं और अपनी राशि जान सकते हैं। तो चलिए मित्रों, पहले सुविचार जान लेते हैं आज का। प्रेम एक ऐसा फल है जो हर मौसम में मिलता है और जिसे सभी पा सकते हैं। प्रेम केवल खुद को ही देता है और खुद से ही पाता है। प्रेम किसी पर अधिकार नहीं जमाता, ना ही किसी के अधिकार को स्वीकार करता है। प्रेम के लिए तो प्रेम का होना ही बहुत है। प्रेम ईश्वर की प्रतिमा है और निष्प्राण प्रतिमा नहीं, बल्कि दैवीय प्रकृति का जीवंत सार, जिससे कल्याण के गुण छलकते रहते हैं। प्रेम का नाता संसार के सभी संबंधों से पवित्र और श्रेष्ठ है। प्रेम की पवित्रता का इतिहास भी मनुष्य की सभ्यता का इतिहास है, उसका जीवन है। हमेशा एक दूसरे से मुस्कान के साथ मिलो। मुस्कान प्रेम की शुरुआत जो है। जो सचमुच प्रेम करता है, उस मनुष्य का हृदय धरती पर साक्षात स्वर्ग है। ईश्वर उस मनुष्य में बसता है, क्योंकि ईश्वर खुद प्रेम है। चलिए 2 अक्टूबर 2021 का पंचांग जान लेते हैं। 2 अक्टूबर 2021 विक्रम संवत 2078, दिन शनिवार, अश्विन मास, कृष्ण पक्ष, तिथि एकादशी, नक्षत्र श्लेषा रहेगा। राहु काल 9:19 से 10:47 तक सुबह में रहेगा और अभिजीत मुहूर्त 11:52 से 12:39 तक रहेगा। राहु काल में कोई भी शुभ कार्य करने से बचना चाहिए और अभिजीत मुहूर्त में कोई भी शुभ और नया कार्य आप शुरू कर सकते हैं। सूर्य कन्या राशि में रहेंगे और चंद्रमा कर्क राशि में रहेंगे। चंद्रमा कर्क राशि में रहेंगे तो कुंभ राशि के छठे भाव में रहेंगे। छठा भाव ऋण रोग शत्रु का भाव है, तो छठे भाव में चंद्रमा रहेंगे तो इस समय पर आपको अगर कोई बीमारी है, कोई समस्या बीमारी को लेकर चल रही है, तो उसमें आपको आराम मिलेगी और आप शत्रुओं पर हावी रहेंगे। अगर आप लोन वगैरह लेना चाहते हैं तो वो आज के दिन आपको मिल सकता है। आपका साहस बढ़ा रहेगा, पराक्रम रहेगा और धन मान सम्मान मिलता रहेगा। आज का दिन अच्छा जाने वाला है। परिवार में मेलजोल बना रहेगा, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। आपके विचार और व्यवहार में भावुकता अधिक देखने को मिलेगी आज के दिन। नौकरी में साथी कर्मचारी सहयोग देंगे और आपके बॉस भी आपको सहयोग देंगे। आपका ऊर्जा स्तर ऊँचा रहेगा। आज आपको जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। आज आपके जोशीले अंदाज से आपके सहकर्मी आपसे आकर्षित हो सकते हैं। अपनी शारीरिक सेहत सुधारने के लिए संतुलित आहार लें और अपने स्वस्थ दिनचर्या अपनाएं। पैसे कमाने के लिए स्वास्थ्य को खराब ना करें और पैसे कमाने के नए चांस भी आज के दिन आपको मिल सकते हैं। और परिवार में सदस्यों के साथ तालमेल अच्छा बना रहेगा। सभी आपसे कोई भी आपसे वाद विवाद परिवार में आज के दिन नहीं करेगा। जीवन साथी से पूर्ण रूप सहयोग मिलता रहेगा और कोई आध्यात्मिक गुरु या बड़ा आपकी सहायता कर सकता है। आज का दिन अच्छा है। आप गलतियों से ना डरें अगर कोई भी कार्य करते हैं तो, क्योंकि गलतियां तो जीवन में होती रहती हैं। गलतियां करने के बाद ही व्यक्ति निपुण बनता है। अपनी कामयाबी को इतना छोटा कभी ना समझें, क्योंकि जो भी कामयाबी आप हासिल करते हैं वो आपके लिए, अपने लिए अच्छी होती है और ज़्यादा होती है। अपने गुस्से के कारण तुरंत प्रतिक्रिया देने की आदत को बदलें, लेकिन आपके लिए सुझाव है कि अपने दिमाग को शांत रखकर गंभीरता से सोचें। आपके पास अच्छी बातचीत करने की कुशलता है और इसे अपने लाभ के लिए इस्तेमाल करें। आज का दिन थोड़ा अप एंड डाउन भरा भी रह सकता है। कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले घर के बड़ों की सलाह जरूर लें। आपके काम से जीवन साथी प्रसन्न हो सकते हैं। ऑफिस में आपको किसी नए प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी भी मिल सकती है। जो लोग शादीशुदा हैं, अपने जीवन साथी को खुश करने के लिए कोई ना कोई आज गिफ्ट वगैरह दे सकते हैं। आप सारी चीज़ों को बेहतर तरीके से संभाल लेंगे। कामकाज हो या अन्य कोई जगह, आपका व्यक्तित्व हर जगह प्रभावशाली रहता है। और इस बात का ध्यान रखें कि आप क्या खा रहे हैं, क्योंकि बाहर का खाना खाने से बचें, क्योंकि आज आपको पेट से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं। इस बात का ध्यान रखें। आपको अपनी डाइट में काफ़ी सारे बदलाव करने की ज़रूरत है और उसे बदलाव करने भी चाहिए, जिससे कि आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे। और स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो आपको मानसिक तनाव नहीं होगा, और आपका मानसिक तनाव अगर है तो कम हो जाएगा।
और इस बात का ध्यान रखना है कि स्वस्थ दिनचर्या जरूर अपनाएं, अपनी जीवन शैली में बदलाव अवश्य लाएं। आपके जीवन में कितना भी संघर्ष हो, आप कभी पीछे नहीं हटते हैं, बल्कि आप डटकर उसका सामना करते हैं। व्यापार और ऑफिस में कूटनीति या राजनीति का प्रयोग करके आप हारे हुए खेल को जीत सकते हैं। अपने दिल की सुने, इसे सही दिशा में लगाएं। आज समय है अपने संबंधों को मजबूत बनाने का। कड़ी मेहनत और विश्वास आपको सफल होने में मदद करेंगे। कुछ नया और अलग करें। याद रखें, जो वर्तमान को नियंत्रित कर लेता है, उसका अतीत और भविष्य दोनों ही नियंत्रित रहते हैं। आज आप अपनी नौकरी से संबंधित अच्छी खबर प्राप्त कर सकते हैं। वैवाहिक जीवन खुशहाल रहने वाला है। किसी कारणवश प्रेम संबंधों में कुछ तनाव हो सकता है। पार्टनर से कुछ समय के लिए दूरी बन सकती है। प्रेमी से बात विवाद करने होने के कारण मन शांत रह सकता है। और आपका कोई पुराना प्रेमी या प्रेमिका आज आपको कनेक्ट हो सकता है, उसका ख्याल आपके मन में ज़्यादा रह सकता है। आज का दिन बेहद स्पेशल रह सकता है प्रेम के मामले में। याद रखें, प्यार का रिश्ता हमें आत्मविश्वास के साथ साथ दूसरों का सम्मान करना भी सिखाता है। किसी को अपने प्रेम संबंधों के मामले में दखलंदाजी ना करने दें और तीसरे व्यक्ति को अपने प्रेम संबंधों में बिल्कुल भी ना आने दें, इस बात का ध्यान रखें। उपाय की बात करें तो कौओं कुत्तों और काली गाय को रोटी खिलाएं और कौओं को खीर भी खिलाएं। इस समय पर ये उपाय सबसे ज़्यादा अच्छा है आपके लिए। तो मित्रों, आज मैंने आपको कुंभ राशि वालों के 2 अक्टूबर 2021 के राशिफल के बारे में कुछ चर्चा की। ये राशिफल सामान्य राशिफल है, ये सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति और आपकी वर्तमान दशा और अंतर दशा और फिर ग्रहों के गोचर की स्थिति, इन सभी पर बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण।